हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सेल्फ केयर सीरीज के इस एपिसोड में, जहां पर मैं आशु जॉन, प्रिंसिपल सेंट मैरीज क्रिश्चियन स्कूल एंड डायरेक्टर द अहान फाउंडेशन, बात करूंगी आपसे हाउ टू डील विद स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल टेंशन। किसी भी घटना या विचार से हम स्ट्रेस को एग्रोवेट कर सकते हैं। स्ट्रेस हमें नाराज, चिंतित और नर्वस फील करवाता है। स्ट्रेस आम जिंदगी में महसूस करना एक साधारण सी बात है, बट अगर हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं तो ये हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत हानिकारक हो सकता है। स्ट्रेस हमारे लिए साइकोलॉजिकली डैमेजिंग भी हो सकता है। ये हमारे स्लीप पैटर्न्स को डिस्टर्ब कर सकता है, हमारा मूड खराब कर सकता है, यहाँ तक कि हमें डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार भी बना सकता है। तो आइए आज हम बात करेंगे कि हम स्ट्रेस को कैसे कॉम्बैट कर सकते हैं। जिस तरह से किसी भी हेल्दी पर्सन के लिए किसी इंजरी या किसी एक्सीडेंट के बाद रिकवर करना ईजी होता है, उसी तरह से किसी मेंटली हेल्दी पर्सन के लिए किसी भी ट्रॉमेटिक इवेंट या स्ट्रेसफुल इवेंट से उबरना ईजी होता है। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने आप को डी स्ट्रेस करें। वी लर्न अबाउट वेज एट हाउ वी कैन कॉम्बैट स्ट्रेस। स्ट्रेस से डील करने के लिए जो फॉर्मूला मैं यूज करती हूँ उसका नाम है बिवेयर। बिवेयर में बी स्टैंड्स फॉर बिकमिंग अवेयर। इसका मतलब है सबसे पहले हम इस बात को रियलाइज करें, एक्नॉलेज करें कि हम कब और किन चीज़ों से स्ट्रेस फील करते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें डराती हैं, हमें नाराज कर देती हैं या हमें एंशियस करती हैं। तो सबसे पहले अपने इमोशंस को जानिए, बिकम अवेयर ऑफ योर इमोशंस। बिवेयर में दूसरा लेटर आता है ई। ई स्टैंड्स फॉर इवैल्यूएट योर सिचुएशन, यानी अपनी स्थिति का मूल्यांकन करें। जो ये चीज मेरे सामने है इसको देखने का क्या मेरा नजरिया ठीक है, क्या मुझे कुछ और जानकारी हासिल करनी चाहिए या मेरे करने कहने के तरीके में मुझे कुछ बदलाव होना चाहिए। सो इवैल्यूएट योर सिचुएशन, स्टेप अवे अ बिट एंड फाइंड आउट व्हाट यू कैन डू टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन बेटर। बिगेयर में तीसरा अक्षर आता है डब्ल्यू। डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर राइट देन डाउन। पूरे महीने, सप्ताह या पूरे दिन में कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसको लेकर आप स्ट्रेस हो रहे हैं उन्हें लिखिए और साथ ही साथ नोट कीजिए उन सारे इमोशनल रिस्पॉन्सेज को। किस सिचुएशन से आपको गुस्सा आया, किस सिचुएशन से आप नर्वस हुए या किस सिचुएशन से आप एंशियस हुए या घबरा हुए। इनको लिखने से आपको अपने बिहेवियर पैटर्न के बारे में पता चलेगा एंड देन इट विल बी ईजियर फॉर यू टू एड्रेस दोज इश्यूज। इफ जर्नलिंग इज नॉट फॉर यू, यानी अगर आपको लिखने की आदत नहीं है तो भी इसको डेवलप करिए, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू गेज योर इमोशनल रिस्पॉन्सेज टू डिफरेंट सिचुएशंस। बिवेयर में फोर्थ लेटर आता है ए। ए स्टैंड्स फॉर आस्क फॉर हेल्प। किसी भी एडवर्सिटी, किसी भी सिचुएशन में हेल्प मांगना, मदद के लिए पूछना साइन ऑफ वीकनेस नहीं बल्कि द बिगेस्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ होता है। आप कभी भी ओवरवेल्म, तनाव या परेशानी महसूस कर रहे हैं, किसी भी लव्ड वन से, किसी भी अपने से, दोस्त से, किसी रिश्तेदार से, यहाँ तक कि प्रोफेशनल हेल्प मांगने के लिए बिल्कुल मत हिचकिचाइए। रिमेंबर, यू आर नॉट द ओनली वन स्ट्रगलिंग। आप अकेले संघर्ष नहीं कर रहे हैं और ना ही आप अपने संघर्षों में अकेले हैं। देयर आर फ्रेंड्स, देयर आर फैमिली मेंबर्स फॉर होम यू आर द सेंटर ऑफ देयर वर्ल्ड। बिवेयर में फिफ्थ लेटर है आर। आर स्टैंड्स फॉर रिफ्यूज वाइनिंग, यानी शिकायत करना बंद करिए। जब भी हम स्ट्रेस होते हैं अक्सर ये देखा गया है कि हम शिकायत करने लगते हैं या फिर हम दूसरों के ऊपर, कभी परिवार के किसी सदस्य के ऊपर, कभी सिचुएशन के ऊपर, कभी अपनी जिंदगी के ऊपर या कभी खुद अपने ऊपर ब्लेम लगाने लगते हैं। सो इमिजिएटली स्टॉप वाइनिंग, स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टेप बैक फ्रॉम द सिचुएशन। सिचुएशन को पूरे तरीके से जांचिए और जैसे ही आप शिकायत करना बंद करेंगे आप देखेंगे कि आपके सामने आगे के रास्ते खुलते जाएंगे
और आप अपने स्ट्रेस को दूर छोड़ करके पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगे। बिवेयर में लास्ट लेटर है ई, दैट मींस एक्सिबिटिंग रेजिलियंस। ये बात सच है कि चीजें रातों रात नहीं बदलेंगी, बट हम अपनी पॉजिटिविटी से और डिटर्मिनेशन से अपने सोचने और बिहेव करने के तरीके को बहुत ही हेल्दी बना सकते हैं। सो अडॉप्ट सम ऑफ द आइडियाज दैट आई जस्ट शेयर विद यू एंड एंजॉय अ रेजिलिएंट एंड पॉजिटिव वे ऑफ थिंकिंग। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ।